गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक, इंटरेस्टिंग एंड अगेन समाउ इजी कह सकते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म इज APC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इस चैप्टर पे आने से पहले एक पूरी ओवरव्यू भूमिका बनानी पड़ेगी। हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक क्या है? व्हेन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टेड, कब शुरू होती है कॉस्ट अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ट्रांजेक्शन होने के बाद, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन से पहले। वॉट वी आर सपोज टू प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना उसमें कॉस्ट लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड्स इनकर्ड होंगे, ये सारा कुछ हम प्री डिटरमाइन करते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशंस करते हैं। अब इस प्री डिटरमिनेशन में हमने सिस्टम्स पढ़े, जैसे मार्जिनल सिस्टम या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। सब में क्या किया हमने? प्री डिटरमाइन किया कॉस्ट को, प्री डिटरमाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सम फ्यूचर अपडेशंस और चेंजेस। अब इस प्री डिटर्मिनेशन में मटीरियल ये आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती है, बिकॉज वी नो कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना मटीरियल लगेगा। बनाते आ रहे हैं ना, तो हमें पता होता है मटीरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा। बट हमने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस किया कि ओवरहेड्स कितने चार्ज होंगे, क्योंकि ओवरहेड्स जब होते हैं तो ओवरहेड्स होते हैं एज अ होल कंबाइंड, रेंट, मशीन का मेंटेनेंस, सुपरवाइजर्स, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, या सिर्फ फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में फैक्ट्री की मेंटेनेंस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं। अब ये ओवरहेड्स एज अ होल होते हैं, क्या हम इन्हें पर यूनिट या पर आर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हम करते थे। हम ओवरहेड्स कैसे चार्ज कर रहे थे? हम ओवरहेड्स चार्ज कर रहे थे प्री डिटरमाइन रेट से, कि पास्ट एक्सपीरियंस देख लो सर, कितने ओवरहेड्स हुए और उस पीरियड में कितने यूनिट्स बने, पर यूनिट निकाल लो और वही पर यूनिट आगे चार्ज कर दो। या सर ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, तो एक काम करो सारे ओवरहेड्स निकालो, मशीन आवर्स से डिवाइड करके पर आर रेट निकालो और फिर वही पर आर रेट आगे चार्ज कर दो। यही होता आ रहा था। इस बेसिस पे हम ओवरहेड चार्ज करते थे, फिर एक्चुअल ओवरहेड जब होते थे तो उन्हें कंपेयर करते थे, तो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का केस आता था कि ओवरहेड ज्यादा हो गए, एक्चुअली पहले कम थे, सोचा कम था ज्यादा हो गए। ये जो ओवरहेड एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है या तरीका है, ये तरीका कॉस्टिंग में यही तरीका है। हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करने ही होंगे, क्योंकि हम प्री डिटरमाइंड रेट से ही ओवरहेड चार्ज करेंगे, वहीं से हमारा कैलकुलेशन होगा और कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि कॉस्ट पता करने के बाद ही सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाएगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग किया और फिर उसके बाद बोला यार कॉस्ट ज्यादा लग रही है, सेलिंग प्राइस चेंज करो। हम सेलिंग प्राइस प्री डिटरमाइन लेके चलते हैं कि प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल होगा, उसके लिए हम कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं, और कॉस्ट एस्टिमेशन में जो ओवरहेड वाला पार्ट का एस्टिमेशन है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट बेसिस पे या पर आर बेसिस पे या किसी भी बेस पे हम पुराने रेट ऑफ ओवरहेड आगे के लिए चार्ज करके चलते हैं। जैसे मैंने जितने भी ओवरहेड्स हुए लास्ट ईयर के, सारे ओवरहेड की लिस्ट निकाली और सारे ओवरहेड्स की लिस्ट, ये मेरे सारे ओवरहेड्स हैं, सारे ओवरहेड्स हैं, ये इतने सारे ओवरहेड्स हुए, मैं क्या करूंगा इन सारे ओवरहेड्स की टोटल कर दूंगा, और इस पीरियड में जब ये ओवरहेड्स इनकर्ड हुए उसमें कितने आवर्स काम हुआ, टोटल वर्किंग आवर्स, या तो मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, जो भी हमारा बेस है प्रोडक्शन का,
कि सर मशीन ज़्यादा यूज़ में आती है, तो मशीन आर्ट्स, और मशीन आर्ट्स से इन ओवरहेड्स को डिवाइड करूंगा तो मुझे रेट मिलेगी, रेट ऑफ ओवरहेड पर मशीन आर, पर मशीन आर कितने ओवरहेड होते हैं। एंड नाउ अब मैं फ्यूचर में कोई प्रोडक्शन करने वाला हूँ, अब मैं जो प्रोडक्शन करने वाला हूँ उस प्रोडक्शन में कितने मशीन आर्स लगेंगे ये मुझे मालूम है, ये कितने आर्स में काम होगा, उस पे ओवरहेड कितने होंगे। सर सर ये वाली रेट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गए आपके ओवरहेड, ये हो रहा है, ऐसे ही चार्ज कर रहे हैं। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज समझते हैं। प्रोडक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, ओवरहेड्स अगेन जॉइंट हुए, कंबाइंड हुए, और हमने उस पीरियड में तीन प्रोडक्ट बनाए थे, हमने उस पीरियड में तीन प्रोडक्ट बनाए थे ए बी सी। हर प्रोडक्ट में आइडेंटिफाइबल कॉस्ट कितनी थी, यानी उस प्रोडक्ट में मटेरियल, लेबर या ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो हमें पता थे कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हुए हैं, वो तो आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ कॉस्ट था, तो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट कितनी थी दैट तो मुझे पता था जो मैंने इन प्रोडक्ट पे चार्ज कर दी। अब प्रॉब्लम वापस वहीं आ गई कि ओवरहेड कितने किस पे लगे। सर ओवरहेड तो कंबाइंड हुए, ये है टोटल ओवरहेड। बोले सर इन ओवरहेड को इन तीन प्रोडक्ट में डिवाइड करना है, सर क्या करें। सर कोई बेस ले लो, क्या बेस ले। सर वही बेस आर्स ले लेते हैं, मशीन आर्स। तो हमने सारे ओवरहेड्स को इनके मशीन आर्स से डिवाइड कर दिया, तो अगेन क्या मिली मुझे, रेट पर मशीन आर। और फिर देखा कि किस प्रोडक्ट पे कितना कितना मशीन आर्स काम में आया था, चार्ज हो गए। एग्जाम्पल अमाउंट के साथ लेता हूं, तीन प्रोडक्ट बनाए, इन तीन प्रोडक्ट को बनाने में मशीन आर्स, इसको बनाने में 100 घंटे लगे थे, इसको बनाने में 300 आवर्स लगे थे, और इसको बनाने में भी 100 आवर्स लगे थे, ठीक है मशीन आर्स। ये जो प्रोडक्ट है ए, ये लेबर इंसेंटिव भी है, थोड़ा और चेंज कर, इसमें सिर्फ 50 मशीन आवर्स लगे थे, यहाँ 150, यहाँ 200 लेबर आवर्स लगे थे, यहाँ 50 लेबर आवर्स लगे थे, और यहाँ भी 50 लेबर आवर्स लगे थे, ठीक है। फिर सर यहाँ मशीन ज़्यादा काम आ रही थी, यहाँ मशीन को सेटअप करने का टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता था। सर रॉ मटेरियल परचेस, सर रॉ मटेरियल परचेस जो हम करते थे वो सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट के लिए करते थे, बार बार खरीदनी पड़ती थी, इनके लिए तो एक बार खरीदा हुआ रॉ मटेरियल पड़ा है उसी को काम में लेते थे, ठीक है। ये सारा डिटेल हमने निकलवा लिया। अब सर ओवरहेड चार्ज करना है, तो ओवरहेड कौन कौन से हुए, तो ओवरहेड को हमने लिस्ट बनाया। सर ये ओवरहेड्स हैं टोटल, ये टोटल ओवरहेड्स हो गए हमारे पास 5 लाख रुपीज के, तो 5 लाख रुपए का टोटल ओवरहेड आया। इन तीनों प्रोडक्ट में ये ओवरहेड डिवाइड करने हैं, चार्ज करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कर दो कैसे। मशीन आर्स, तीनों प्रोडक्ट को बनाने में टोटल 500 मशीन आर्स काम में आए थे, तो 5 लाख के ओवरहेड डिवाइडेड बाय 500, 5000 पर आर, 1000 रुपये पर आर, 1000 पर आर, ये ओवरहेड की रेट है। 50 आर्स 50,000 इसमें, 300 आर्स 3 लाख इसमें, 150 आर्स 1.5 लाख इसमें, ये तीनों प्रोडक्ट में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जैसे ही तीनों प्रोडक्ट में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हुए, उन प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, और पर यूनिट कॉस्ट निकाल के हम उनकी क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर देंगे। इज इट क्लियर, ऐसे ही करना है। ओवरहेड्स को कोई ना कोई एक बेस लेना है, और उस बेस पे ओवरहेड्स सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देना। बेस क्या लिया सर, बेस या तो मशीन आर्स या लेबर आर्स, ये हम कोई एक बेस ले लेंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है,
या ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है ये कहलाता है ट्रेडिशनल हाँ, ये कहलाता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। क्या किया हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में, सारा ओवरहेड जितना भी ओवरहेड हुआ था सारा ओवरहेड टोटल करके, उन सारे ओवरहेड्स को टोटल करके उन्हें एक ही बेसिस पे सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगल बेस लेके सारे प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया। एक ही बेसिस पे सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया। बाद में कुछ आइडेंटिफिकेशन आता है, सर यहाँ तो गड़बड़ हो गई है, जैसे अभी आपने बोला क्या गड़बड़ हो गई है यार, ये ओवरहेड हुए हैं जो भी, ये क्या सारे ओवरहेड मशीन से कनेक्टेड थे क्या? क्या ये सारे ओवरहेड्स मशीन से ही रिलेटेड थे क्या, और ये सारे ओवरहेड मशीन के बेसिस पे ही चार्ज हो रहे हैं क्या? नहीं सर, इसमें कई ओवरहेड्स तो मटेरियल की परचेज से रिलेटेड थे, कई ओवरहेड स्टोर से रिलेटेड थे, स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, कई ओवरहेड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, कुछ ओवरहेड्स आपके सेटअप से रिलेटेड थे। तो क्या सारे ओवरहेड मशीन से कनेक्टेड नहीं थे? नहीं, ये कुछ ओवरहेड मशीन से कनेक्टेड थे बाकी नहीं थे। तो आपने तो डिवाइड सारे ओवरहेड को किस बेसिस पे कर दिया, मशीन आर के बेसिस पे। और सारे ओवरहेड को मशीन आर के बेसिस पे करने की वजह से ये डिपार्ट इस प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन आर्स ज्यादा काम में आए, और ज्यादा मशीन आर्स काम में आने की वजह से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा हो गई, और इस प्रोडक्ट में सबसे कम मशीन आर्स काम में आए थे तो इस पे सिर्फ बहुत कम ओवरहेड चार्ज हुए। तो यहां पे जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है वो कॉस्ट जेन्युइन कॉस्ट नहीं, वो रिलायबल कॉस्ट नहीं, क्योंकि आपका जो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो रॉन्ग है, बट ट्रेडिशनली यही चलता आ रहा है। अब इस ट्रेडिशनल सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है सोचो, इस ट्रेडिशनल सिस्टम की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर, इस ट्रेडिशनल सिस्टम की वजह से हमारे कुछ प्रोडक्ट, हमारा कोई एक प्रोडक्ट ओवर कॉस्टिंग पे चला जाएगा और कोई प्रोडक्ट अंडर कॉस्ट पे चला जाए। पता चला इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 300 रुपीज और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज, ठीक है। अब 300 की कॉस्ट आ रही है, मैंने इसकी सेलिंग प्राइस रख दी 350, इसकी कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, इसकी सेलिंग प्राइस रख दी मैंने 130, प्रॉफिट ऐड करके मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर को मैं बीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कॉम्पिटिटर कम प्राइस पे बेच रहा है। मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम तो फिर भी लॉस में हैं यार, क्योंकि एक्चुअली जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है ना वो गलत की। इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है ही नहीं, क्योंकि आपने सारे ओवरहेड्स मशीन के बेसिस पे डिवाइड कर दिए, जबकि इस प्रोडक्ट में मशीन तो काम में आई नहीं थी, तो इसका क्या ओवरहेड ही कम हुआ होगा क्या? दूसरे पार्ट पे तो ओवरहेड लगा होगा ना इस पे, लेकिन आपके सारे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन मशीन बेसिस पे डिवाइडेड है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि कोई अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट रह गया, कोई ओवर वैल्यूड हो गया, जो ओवर वैल्यूड हो गया वो मार्केट में बिक नहीं पा रहा है, जो अंडर वैल्यूड है वो लॉस दे रहा है। इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को चेंज किया हमने नए कॉस्टिंग सिस्टम से, जो कि हम यहां पढ़ने वाले हैं, ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है और इसमें हम क्या करने वाले हैं उसकी बात शुरू करें। पहले समझ में आ गया कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम ओवरहेड्स चार्ज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल बेस, ऑल ओवरहेड यूजिंग अ सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट, बट ओवरहेड्स हैज डिफरेंट नेचर, डिफरेंट फीचर, अलग अलग एक्टिविटी से जुड़े हुए ओवरहेड्स हैं, बट उन सभी एक्टिविटी को आपने एक ही मेजर पे चार्ज कर दिया, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रॉन्ग वैल्यूड हो रही।
तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी सिर्फ हम। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या फॉलो करें, मतलब पहला स्टेप है कि आप पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। ऑब्जेक्ट मतलब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी आप किस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालना चाहते हो। जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, या हम किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या हम किसी ब्रांच की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आपको कॉस्ट किसकी कैलकुलेट करनी है, योर ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट किसकी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करूं। से कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि सर मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है एंड आई हैव थ्री प्रोडक्ट्स, मुझे इन तीन प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए अल्टीमेटली। स्टेप नंबर टू, अब आप यहां ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो तीन प्रोडक्ट यानी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, इन तीन प्रोडक्ट्स को या इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को अचीव करने में, बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटीज रोल प्ले कर रही है, किन किन एक्टिविटी के थ्रू ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमने कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जहां पे एक्सपेंसेस होते हैं। सर एक परचेज में एक्सपेंसेस होता है, एक स्टोर में एक्सपेंसेस होता है, एक प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस होता है जो मशीन से रिलेटेड है, और एक प्रोडक्शन में कुछ काम लेबर से रिलेटेड होते हैं। ऐसे करके हमने कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की। तो हमारे पास मेजर एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटी, हमने प्राइमरी एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज वी हैव टू परफॉर्म फॉर सच प्रोडक्ट्स। से देर आर टोटल फोर प्राइमरी एक्टिविटीज आर देयर, और से फोर प्राइमरी एक्टिविटीज आर देयर कि इन चार प्राइमरी एक्टिविटीज से प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होता है इन तीन प्रोडक्ट का। अब इन प्राइमरी एक्टिविटी के पीछे भी कई सेकेंडरी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जो इनको सपोर्ट करती होंगी। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के साथ हम सब हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी होता है जो उसको पूरा मैनेज करता है हमारा, और इंस्पेक्शन की एक्टिविटी हम उसमें परफॉर्म करते हैं। एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है कि मटेरियल आया तो इंस्पेक्शन होगा। एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी वहाँ पे काम कर रहा है जो पेमेंट और ये सारे मैनेज कर रहा है। ऐसे स्टोर डिपार्टमेंट में सर एक्टिविटी सर स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर रूम से रिलेटेड एक्टिविटी है, मटेरियल को होल्ड करके रखने की अलग एक्टिविटी हो सकती है। मशीन रिलेटेड एक्टिविटी में सर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी तो है ही, मशीन की मेंटेनेंस का एक अलग पूरा का पूरा वर्कर वर्क फोर्स हम रखते हैं, मशीन को सेटअप करने से रिलेटेड भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करना रहता है हमें। ऐसे करके इनकी सेकेंडरी एक्टिविटीज, हर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कितनी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को भी हम आइडेंटिफाई करके लाते हैं कि सर टोटल मिला के हम 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और नहीं, मशीन का सेटअप इज डिफरेंट थिंग। मशीन सेटअप का मतलब मशीन लाना नहीं, मशीन सेटअप का मतलब मेरा यहां से है कि हर बार प्रोडक्शन शुरू करने से पहले मशीन का सेटअप बनाना पड़ता है। लाइक यहाँ क्लास शुरू करने से पहले सेटअप करना पड़ेगा ना, तो हर क्लास शुरू करने से पहले, हाँ हर क्लास शुरू करने से पहले मुझे नेट ऑन करना है, मुझे लिंक क्रिएट करना है, मुझे लाइव स्टूडेंट्स को लेक्चर का लिंक शेयर करना है, कैमराज ऑन करने हैं, माइक वाइक, अब मैं क्लास लेने बैठा हूँ एंड दैट रिक्वायर 5 to 10 मिनट्स एवरी टाइम। अब वो सेटअप करने के लिए कोई एक एम्प्लॉय और कोई एक पार्ट काम कर रहा होगा ना कि जो आएगा फटाफट ये सबको तैयार करेगा कि फैकल्टी आए पढ़ाना शुरू करे। ऐसी लेबर जब मशीन फैक्ट्री में घुसती है तो जो मेन वर्किंग लेबर होती है वो आके काम शुरू करे, इंजीनियर्स आके काम शुरू करें या कोई एक्सपर्ट्स आके काम, तो कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं मशीन वशीन चालू करके रखो, सब कुछ ऑयलिंग वॉयलिंग चेक करके रखो, बेल्ट वेल्ट चेक करके रखो, ये हर प्रोडक्शन प्रोसेस के पहले करना पड़ेगा उनको। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आया क्लास लेने और मुझे गेट बंद मिल रहे हैं, फिर आके मैं चाबी ला रहा हूँ, किसी बुला रहा हूँ, ताला खोलो, चलो ये करो वो करो, ये टाइम मेन वर्कर का टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो बेटर है सेटअप टाइम में सेटअप तैयार करवा दिया जाए ताकि जो मेन प्रोडक्टिव टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। नहीं, वो सब फाइनेंस मैटर है, वो सब फाइनेंस मैटर है, फाइनेंशियल पार्ट हम यहाँ लेके ही नहीं है। नहीं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कॉस्ट में डालना ही पड़ेगा। यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो तो इनडायरेक्टली चार्ज हो गई ना। हाँ, बट पेमेंट कॉस्ट मशीन खरीदना इज अ फाइनेंशियल मैटर, वो असेट की तरह रिकॉर्ड होगा, फाइनेंस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग को सिर्फ उस मशीन की मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन से मतलब। प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो चार्ज करना ही, डेप्रिसिएशन इटसेल्फ अपने आप में कॉस्ट चार्ज हो गई ना प्रोडक्ट पे, तो वो मतलब है। सो ये यहां तक बात समझ में आई? तो मैं अभी एक ही तरह की एक्टिविटी लेके चल रहा हूँ कि पहले मैंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया और सेकेंड मैंने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली कि किन एक्टिविटीज से ये ऑब्जेक्ट अचीव होंगे, और अब मैं वो सारे रिसोर्सेज लेके आता हूँ कि किन रिसोर्सेज से ये काम कंप्लीट होगा। रिसोर्सेज मतलब ओवरहेड्स, रिसोर्सेज मतलब ओवरहेड्स हो गए एक तरह से, कि मशीन का डिप्रिसिएशन, वर्कर्स की इनडायरेक्ट वर्कर की सैलरी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, मशीन सेटअप की कॉस्ट हो गई, परचेज ऑर्डर देने में क्या क्या खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे मैंने यहाँ ले लिए। मतलब जितने भी मेरे रिसोर्सेज मैंने यूटिलाइज किए, यानी जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए, वो एक्सपेंसेस की लिस्ट में ले आया। पर्पस क्या है, किसमें, प्रोजेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको। पहले क्या कर रहे थे, तो सबकी टोटल लगा के सीधा एबीसी में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन। अब क्या बोले सर, अब पहले तो ये ओवरहेड्स ले आए सारे, मैं ये जो एक्टिविटी लाया हूं ये मान लेता हूं ये मशीन रिलेटेड एक्टिविटी है, ये मेरी लेबर रिलेटेड एक्टिविटी है, ये मेरी परचेज रिलेटेड एक्टिविटी है, ये मेरी स्टोर रिलेटेड एक्टिविटी है, ठीक है। एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में मुझे पता चला कि सर ये तीन एक्सपेंसेस ऐसे हैं मशीन पे खर्च हो रहे हैं, मशीन की मेंटेनेंस के चार्जेस हैं, ये मशीन के ऑयलिंग है, मशीन का सेटअप चार्जेस है, ये सिर्फ मशीन पे खर्च हो रहे हैं, तो इन्हें उठा के मैंने इसमें क्लब कर दिया, इस एक्टिविटी पे पूरा का पूरा खर्चा इस एक्टिविटी पे चार्ज कर दिया, ये तीनों इस एक्टिविटी में चार्ज कर। फिर सर पता चला कि ये दो हमारे वो एम्प्लॉई हैं जो परचेज और स्टोर डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों को सर, ये खर्चे दोनों जगह हो रहे हैं? बोला हाँ सर, इसका कुछ खर्चा परचेज का है और कुछ खर्चा स्टोर का है, तो इस एक्सपेंस को मैंने इन दो में चार्ज कर दिया। किस प्रपोर्शन में? वेरी गुड, तो इसके लिए मुझे कोई प्रपोर्शन चाहिए, तो इसके लिए जो जेन्युइन लॉजिकल प्रपोर्शन है वो लॉजिकल प्रपोर्शन में यूज करूंगा, एंड दैट लॉजिकल प्रपोर्शन इज नोन एज रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। इन्हें बोलते हैं रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, दैट मींस एनी लॉजिकल बेस जो इन एक्सपेंसेस को उन एक्टिविटीज से कनेक्ट कर रहा हो। जैसे एक पर्सन है जिसे मैं आर्ली पेमेंट करता हूँ और वो परचेज डिपार्टमेंट में भी टाइम देता है और स्टोर डिपार्टमेंट में भी टाइम देता है, तो उसको जितना मैंने पेमेंट किया उसमें कितने आवर्स वो परचेज में था और कितने आवर्स स्टोर में था, आवर बेसिस पे, उसके वर्किंग आवर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दूंगा। या इसमें जो पर्सन यहाँ पे जो खर्चे हैं वो नंबर ऑफ कह सकते हैं, कोई और एग्जांपल हो, वाउचर्स पे डिपेंड कर रहा है, कितने स्टोर ये क्या करता है, बोले सर ये ना परचेज के वाउचर्स बनाता है, परचेज एग्जीक्यूट करता है, इंस्पेक्शन करवाता है, फिर स्टोर में जाके उनकी एंट्री करवाता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब भी रिक्वायरमेंट आती है ये स्टोर से मटेरियल उनको इशू करवाता है, तो जितने इसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए परचेज डिपार्टमेंट के लिए, जितने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए और स्टोर डिपार्टमेंट के लिए जितने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए, उन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर देते।
नहीं, आप यदि प्रैक्टिकली काम करने जाओगे तो दे नहीं रखा होगा, ये आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। नहीं, पेमेंट इस बेसिस पे नहीं हो रही है, पेमेंट तो उसको मंथली हो रही है, सैलरी दे रहे हैं हम। अब उसकी सैलरी को मैं इन दो डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करूं? इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट लाइफ का पहला जॉब ही था वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में था, असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था, और मेरा टास्क था एबीसी इम्प्लीमेंटेशन। माय फर्स्ट टास्क प्रैक्टिकल लाइफ का एबीसी इम्प्लीमेंटेशन, वो टीबीसी पे चल रहे थे, ट्रेडिशनल बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे थे, एंड दे फील्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स ने उन्हें सजेशंस दिए होंगे, तो उन्होंने बोला हम भी एबीसी अपॉइंट करते हैं एंड दे नीड अ सीए। तो मेरा अपॉइंटमेंट मेनली कॉस्ट डिपार्टमेंट में इसी पर्पज से होता है कि आपको एबीसी इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पे। अब एबीसी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट, ये सब मुझे करना है, किसी को कुछ भी नहीं पता ना भाई। वंस यू एस्टेब्लिश द सिस्टम देन तो फॉलो होता रहेगा, बट इनिशियली फॉर एस्टेब्लिशिंग द सिस्टम यू नीड इनपुट्स, और इनपुट्स प्रैक्टिकल लाइफ में इनपुट्स आते नहीं है, इनपुट्स लाने पड़ते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको इनपुट क्या चाहिए, इनपुट भी आप ही डिसाइड करोगे, उस इनपुट को प्रोसेस का प्रोसीजर आप डिसाइड करोगे और आउटपुट निकाल के आप ही दोगे। ये स्टडी नहीं सिखा सकता, क्योंकि यहां पे तो हमें ईच एंड एवरीथिंग सप्लाई कर दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकली, अब मुझे ये इंप्लीमेंट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि इनके खर्चे जितने भी होते हैं वो किन मेन ऑब्जेक्ट में। सर आप बोले हम 10 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमें उन हर प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम कर, ऑब्जेक्ट पता चल गया भाई। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, के अल्टीमेटली आपको कॉस्ट किसकी जाननी है, पता चल गया प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल। अब मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ, आई वॉज वर्किंग इन परचेज डिपार्टमेंट, आई वर्क इन परचेज डिपार्टमेंट, आई वर्क इन स्टोर डिपार्टमेंट, आई वर्क इन ऑफिस, आई वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसी कंपनी में एक दिन मैं परचेज डिपार्टमेंट में बैठता था, दो दिन जाके फिर मैं स्टोर चेक करता था, स्टोर में बैठता था, परचेज डिपार्टमेंट में पहले स्टोर जाया, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में गया कि कैसे काम हो रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बताए वो बनने में टाइम कितना लग रहा है, वो मशीन पे बन रहे हैं या मैनुअली बन रहे हैं, वो एनालाइज किया, वहां से डेटा कलेक्ट किया, फिर इन प्रोडक्ट्स को बनाने में रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगता है, तो स्टोर में जाके रॉ मटेरियल की लिस्ट देखी, 150 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स हुआ थे। अब ये रॉ मटेरियल की परचेज पॉलिसी क्या है इनकी, ये किन सप्लायर्स से खरीदते हैं, बल्क परचेज है या रिक्वायरमेंट परचेज है या जस्ट इन टाइम परचेज है, स्टोर में कितना क्वांटिटी स्टोर करके रखा जाता है, परचेज करने का प्रोसीजर क्या है, क्या इनका आइडेंटिफाइड सप्लायर है जिनसे ये बस खरीद लेते हैं, या हर बार खरीदने के लिए नया सप्लायर ढूंढते हैं, बिडिंग कॉल करते हैं और फिर बिड को नेगोशिएट करके फाइनलाइज करते हैं। क्योंकि यदि आइडेंटिफाइड सप्लायर है तो आपकी परचेज कॉस्ट कंपेरेटिवली कम आती है, क्योंकि आइडेंटिफाइड से उसको कॉल करना है, माल भेज दे, वो भेज देगा, इंस्पेक्शन करना है। लेकिन यदि आप हर बार नया प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप बिडिंग कॉल करोगे सप्लायर से, फिर उनकी बिड्स आएंगी, फिर उनको आप एनालाइज करोगे, फिर उनको चेंज होगी, फिर सप्लायर्स के साथ आप नेगोशिएट करोगे, फिर फाइनली प्राइस फाइनलाइज होगी, तो ये इसमें कॉस्ट लगती है, हर परचेज ऑर्डर पे कॉस्ट लगती है, जितनी बार परचेज ऑर्डर दोगे उतनी बार वापस कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट तो लगती है हर परचेज ऑर्डर पे कॉस्ट लगती है, लेकिन यदि आइडेंटिफाइड सप्लायर होता है तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है, लेकिन आइडेंटिफाइड सप्लायर नहीं होता है तो सप्लायर ढूंढना, सप्लायर से नेगोशिएट करना, बिडिंग कॉल करना, फाइनलाइजेशन करना, मीटिंग्स करवाना, इन सब की कॉस्ट भी आएगी। अच्छा, घर की सब्जी नहीं खरीदनी है, राशन नहीं खरीदना है, घर का राशन तो फोन पे भी खरीद सकते हो। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 150 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरनेशनल सप्लाई हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है 5 कंट्रीज के अंदर, 5 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, बल्ब में लगने वाली आईसी छोटी सी, मोबाइल में लगने वाली चिप ये बनाती है, जिनका टेक्निकल मुझे पता ही नहीं है क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको टेक्निकल भी समझना पड़ेगा, पेस मीटर कैसे बनता है, आइसोलेटर कैसे बनता है, ये सारी चीजें बनती है, तो उनका चीजें समझना,
तो बहुत सारी चीजें, अब ये प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व होके आपका स्टडी, आपका नॉलेज यूज करके आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तीन चीजें पता चल गई, ऑब्जेक्ट ये है, इन ऑब्जेक्ट में कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो लिस्ट आ गई, और फिर खर्चों की लिस्ट तो ऑलरेडी थी। अब मेरा काम शुरू हुआ, किस एक्सपेंस को किस एक्टिविटी में डिवाइड करूं, और डिवाइड भी किस बेसिस पे किया जाए। तो आपको लिंक बनाना पड़ेगा कि किस खर्चे का किस एक्टिविटी से कनेक्शन है, और वो कनेक्शन भी किस बेस पे डिसाइड होगा। अब एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, और वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक पूरी टीम लगी है, उस टीम का काम है परचेज करना। अब रॉ मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए दो बंदे लगा रखे हैं, दो ऑफिस में परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, परचेज के वाउचर आए, स्टोर रूम से लेके आता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, परचेज करने का प्रोसीजर फॉलो करता है, माल आता है उसको स्टोर में पहुंचाता है, उसके सिर्फ पेपर वर्क, प्रोडक्शन में जब भी मटेरियल देना होता है कितना इशू करना है वो सारा पेपर वर्क एज ए कनेक्शन ढूंढा। कनेक्शन ढूंढ के आप इन सारे एक्सपेंसेस को चार्ज करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे यूजिंग एनी बेस, और उस बेस को हमने नाम दे दिया रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। मतलब वो ड्राइवर जो रिसोर्सेस की कॉस्ट को एक्टिविटीज में ले जाके पूल कर रहा है, जो रिसोर्सेस को यानी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस को कहां पे ले जाके पूल कर रहा है, यहां से एक्टिविटीज में। अब यहां पे रिसोर्सेस 10, 20, 50, 100 हो सकते हैं, 50 तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और 50 तरह के सारे एक्सपेंसेस लॉजिकली कहां पूल हो गए, आगे चार एक्टिविटी में आके पूल हो गए। अब हर एक्सपेंस उसी एक्टिविटी में गया, और उतना ही गया जितना उस एक्सपेंस का उस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन था, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जिस एक्सपेंसेस ने जितना रोल प्ले किया था वो एक्सपेंस उस एक्टिविटी में चला गया उसी प्रपोर्शन में। बात समझ में? अब क्या सर, अब सारे रिसोर्सेस की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आके एक्टिविटीज में पूल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिविटी में जो कॉस्ट आ गई अब उस एक्टिविटी की कॉस्ट को ऑब्जेक्ट पे चार्ज करो। मैंने मालूम कर लिया ये मशीन रिलेटेड एक्टिविटी है फर्स्ट वाली। अब आप देखो क्या हो रहा है, सर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी इन दो, ये दो ही मशीन पे बनते हैं, तीसरा प्रोडक्ट तो टोटली मैनुअली बन रहा है, या तीसरे प्रोडक्ट पे तो मशीन बहुत ही लिमिटेड काम में आती है, बाकी इन दो प्रोडक्ट पे मशीन काम में आती है। अब मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस तीनों में डिवाइड हो जाएंगे किस बेसिस पे,
मशीन आर्स के बेसिस पे। लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस, पता चला प्रोडक्ट ए नहीं सही तो पूरा ही मशीन पे बनता है, ये सिर्फ बी और सी में लेबर काम कर रही होती है। तो लेबर आर के बेसिस पे लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस बी और सी में डिवाइड। परचेज डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रॉ मटेरियल परचेज से रिलेटेड है। वैसे रॉ मटेरियल परचेज के खर्चों को कैसे डिवाइड करें, किस प्रोडक्ट का कितना, किस प्रोडक्ट के लिए कितनी बार रॉ मटेरियल खरीदा गया था, कितना रॉ मटेरियल खरीदा गया था वो नहीं, कितनी बार रॉ मटेरियल खरीदा गया था। क्यों सर, खरीदा, परचेज कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, खरीदने की कॉस्ट है, तो किस प्रोडक्ट के लिए कितनी बार रॉ मटेरियल खरीदा गया था, क्योंकि कितना रॉ मटेरियल खरीदेगा वो मैटर नहीं करता है, परचेज की जो कॉस्ट होती है ना वो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी बार परचेज ऑर्डर दिया। हर परचेज ऑर्डर पे परचेजिंग कॉस्ट लगती है, आप चाहे 100 यूनिट खरीद रहे हो या 1000, आज ग्रोसरी लाने जा रहे हो और फिक्स है कि डीमार्ट से ही लानी है, तो चाहे आप 1000 रुपये का सामान खरीदने जा रहे हो या 10,000 का सामान खरीदने जा रहे हो, कॉस्ट तो उतनी लगेगी, आने जाने का टाइम, पेट्रोल का खर्चा, ये सब उतना ही लगेगा। तो डिपेंड क्या करता है, किस चीज पे, कि कितनी बार खरीदा, कितना खरीदा नहीं, तो कितने ऑर्डर दिए। पता चला सर सबसे ज्यादा ऑर्डर तो हमने इसके लिए दिए थे, सर सी के लिए, सी के लिए एक ही ऑर्डर दिया था पूरे साल में, तो हमने इस परचेज की कॉस्ट को तीनों में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स। स्टोर का खर्चा, ये डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट का कितना रॉ मटेरियल स्टोर किया था। यहां पे अब क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैटर करती है, जिसका ज्यादा रॉ मटेरियल स्टोर रूम में था, जिसका ज्यादा रॉ मटेरियल स्टोर रूम में था, उसका ज्यादा खर्चा लगा होगा, मेंटेनेंस, उसकी स्टोर के इंश्योरेंस, स्टोर का रेंट, ये सब उस पर ज्यादा खर्च हुआ होगा। इसको हमने डिवाइड कर दिया वैल्यू ऑफ मटेरियल के बेसिस पे। हाँ, लेकिन टाइम पीरियड भी और क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, इंश्योरेंस वैल्यू पे डिपेंड करता है, वेस्टेज क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या वेस्टेज वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। कॉस्टली रॉ मटेरियल है, एक भी वेस्ट हुई तो ज्यादा कॉस्ट खराब हुई, तो ये कितना खर्च हुआ। अब ये खर्चा भी हमने तीनों में डिवाइड कर दिया यूजिंग अप्रोप्रिएट बेस। यहां जो बेस हम यूज कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, उनको भी ड्राइवर ही बोलेंगे, नीचे वाला भी ड्राइवर था, लेकिन अब ये कौन सा ड्राइवर है, ये एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है, जो एक्टिविटी की कॉस्ट को लाके ड्राइव करके ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर। नाउ फाइनली आपके पास आपके ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी, ओवरहेड्स कैलकुलेट होके आएंगे, जिनमें कंप्लीट लॉजिकल सेंस हमने यूज किया, हर खर्चा जो नीचे रिसोर्स में, हर खर्चा लॉजिकली जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड था, जितना रिलेटेड था वो उस प्रोडक्ट पे उतना ही पहुंचा, जबकि पहले सारे खर्चे प्रोडक्ट पे मशीन आर्स के बेसिस पे पहुंच रहे थे, परचेज डिपार्टमेंट के खर्चों का मशीन से क्या लेना देना। तो अब परचेज के खर्चों का लेना देना तो किससे है, परचेज ऑर्डर से, तो वो उसी रूट में बटना चाहिए ना। तो यहां पे ये जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये प्रॉपर लॉजिकल सेंस में डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस समझ में आया कि क्या करना है। यहां पे स्टेप बाय स्टेप बात करें तो स्टेप नंबर वन क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, थर्ड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन, तो कॉस्ट पूलिंग, कॉस्ट पूल बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज इन एक्टिविटी यूजिंग रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, देन एक्टिविटी कॉस्ट पूल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, देन यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। टेक योर टाइम, आराम से मुझे बताओ ये समझ में आया।
बात क्लियर हुई? ये है बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमें क्या करना है सर, आपको कुछ खास नहीं करना। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द रिसोर्सेस, नो, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एक्टिविटी कॉस्ट पूल। सीधा आपको एक्टिविटीज और एक्टिविटीज का कॉस्ट पूल दे दिया जाएगा। आपको एक्टिविटी कॉस्ट पूल को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है यूजिंग अ लॉजिकल बेस। बेस क्या यूज करना है, तो बेस की लिस्ट मिल जाएगी। बेस कई बार कनेक्ट करके भी दे दिया जाएगा कि इस एक्टिविटी का ये बेस है, और हो सकता है बेस आपको कनेक्ट करके ना दिया जाए, आपको बेस पिक करना पड़े। तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद सम एक्टिविटी कॉस्ट पूल एंड सम बेसिस। आपको किस एक्टिविटी को किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बेस सिलेक्शन लेना है और उसके बेसिस पे रेट निकालनी है और उस रेट से ओवरहेड चार्ज करना है। जैसे अभी सारे ओवरहेड पर आर चार्ज हो रहे थे, अब कुछ ओवरहेड पर आर चार्ज होंगे, कुछ ओवरहेड पर लेबर आर चार्ज होंगे, कुछ ओवरहेड पर परचेज ऑर्डर चार्ज होंगे, कुछ ओवरहेड पर नंबर ऑफ सेटअप चार्ज होंगे, डिपेंड करता है। ये काम हमें करना है। और फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी है यूजिंग एबीसी, यूजिंग टीबीसी। कर क्या रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, और फिर कंपैरिजन देना है कि क्या गलती हो रही थी, किस प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले कम थी और किस प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले ज्यादा आ रही थी। ये दैट वी हैव टू परफॉर्म इन दिस चैप्टर। ओवरव्यू ओके, एक नजर डालते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज एन अप्रोच ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व ट्रेसिंग रिसोर्सेज कंजम्पशन एंड कॉस्टिंग फाइनल आउटपुट। रिसोर्सेज आर असाइंड टू एक्टिविटी एंड एक्टिविटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। रिसोर्सेज को एक्टिविटी पे असाइन करना है और फिर एक्टिविटी को ऑब्जेक्ट पे असाइन करना है। एक्टिविटीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट ड्राइवर, दो तरह के कॉस्ट ड्राइवर, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पूल फाइनली जहां पे कॉस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी। अब किसके लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना चाहिए, उसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए नंबर ऑफ रिसर्च या आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग सर्विसेज एंड प्रोसीजर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिजाइन, नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्रोडक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ड्राइवर हो सकते हैं। कस्टमर सर्विस के लिए नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स, मार्केटिंग के लिए नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ सेल्स पर्संस या सेल्स का रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ कस्टमर्स। कनेक्ट करना है बस आपको और उस बेसिस पे डिवाइड करना है। ये मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कॉस्ट सीधा सीधा प्रोडक्ट और सर्विस पे चार्ज हो जाएगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट उसको एलोकेशन करेंगे। अलोकेशन करने के लिए दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल और एक्टिविटी। ट्रेडिशनल में मशीन आर या लेबर आर या आउटपुट, कोई भी एक बेस उठाया, यहां लेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। एक्टिविटी में ओवरहेड किससे रिलेट होते हैं, एक्टिविटी में एबीसी में एक्टिविटी से रिलेट होते हैं और एक्टिविटी में जाके उनका कॉस्ट पूल बनता है, और ट्रेडिशनल में सीधा प्रोडक्ट से या डिपार्टमेंट से रिलेट कर दिए जाते हैं। यहां पे मोर रियलिस्टिक, वहां ऑब्वियसली नॉट मोर रियलिस्टिक। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आर डिटरमाइंड, वहां पे कुछ डिटरमाइन नहीं करना, मशीन आर्स या लेबर आर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दो। एक्टिविटी में रिकवरी रेट डिटरमाइन करनी होती है हर सिंगल ओवरहेड के लिए अलग, वहां सारे ओवरहेड के लिए एक सिंगल रेट। वहां ऑब्जेक्ट को कॉस्ट असाइन करनी है और यहां यूनिट का असाइन करनी है सीधा। ये कुछ कंपैरिजन सिंपल है, डिस्कस हो चुके हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी अंडर एबीसी मेथोडोलॉजी,
कॉस्ट हायरार्की। अब कॉस्ट हायरार्की क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पे। लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक यूनिट लेवल एक्टिविटी होती है, मतलब दीज आर दोज एक्टिविटीज फॉर विच कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी आइडेंटिफाइड विद द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। समझ रहे हैं, यूनिट लेवल एक्टिविटी का मतलब जहां पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो नंबर ऑफ यूनिट से कनेक्टेड है, कितनी यूनिट बनी उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो यूनिट लेवल एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड, अब मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो नंबर ऑफ यूनिट से कनेक्टेड है, उसका किसी आर से, किसी पर्सन से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, हर यूनिट में, हर प्रोडक्ट में कितनी मटेरियल लगी है तो वो मटेरियल कंज्यूम। कौन सा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो वैसे भी आइडेंटिफाइबल होता है। जैसे इंस्पेक्शन की कॉस्ट, इंस्पेक्शन की कॉस्ट को प्रोडक्ट पे कैसे डिवाइड करोगे, किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट इंस्पेक्ट की गई। तीन तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब वर्कर का टाइम कितना लगा या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का टाइम कितना लगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, उसने किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट को इंस्पेक्ट किया, तो वो यूनिट लेवल एक्टिविटी कहलाएगी, उसको हम यूनिट बेसिस पे चार्ज करेंगे। सेकेंड है आपके पास बैच लेवल एक्टिविटी। द एक्टिविटी सच एज सेटिंग अप ऑफ अ मशीन, बैच मतलब ऐसे सारे एक्सपेंसेस या ऐसी सारी एक्टिविटी जो किसी एक यूनिट के लिए नहीं परफॉर्म हो रही है, पूरे एक बैच ऑफ प्रोडक्शन के लिए परफॉर्म हो रही है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, हमारा यह सेटअप हो रहा है, ये सेटअप किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये सेटअप पूरे बैच के लिए बनाया जा रहा है। और यदि मैं यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग रखता हूं और टीचर को हायर करता हूं कि वो आर्ली बेसिस पे, और वो आर्ली बेसिस पे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम इंडिविजुअली सॉल्व करेगा, तो वहां पे जो कॉस्ट लग रही है मेरी वो डिपेंड कर रही है उन्हें कितने स्टूडेंट्स की यूनिट, कितने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की। तो बैच लेवल एक्टिविटी होती है पूरे बैच के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल ऑर्डरिंग, अब मटेरियल ऑर्डर किया जाएगा, बल्क में किया जाएगा, तो उस पर जो कॉस्ट आएगी पूरे बैच की कॉस्ट है। मशीन सेटअप, मशीन का सेटअप किया जाए तो एक यूनिट बनाने के लिए नहीं सेटअप किया जाएगा, पूरे बैच को बनाने के लिए सेटअप किया जाएगा, तो ये बैच लेवल एक्टिविटी है। इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अब इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कौन से, जो हम खरीद के लाए उनका इंस्पेक्शन, पहले था प्रोडक्ट जो बन के निकल रहा है, टेस्टिंग हो रही है, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। प्रोडक्ट लेवल जो किसी यूनिट की नहीं, किसी बैच की नहीं, पूरे प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने से पहले प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, और वो डिजाइनिंग किसी एक यूनिट के लिए या किसी एक बैच के लिए नहीं है, जितना भी बनेगा सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी में चली जाएगी। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, अब फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी का मतलब जहां आपका पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अब वहां वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसी एक यूनिट पे नहीं, किसी एक बैच पे नहीं, किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं, सभी पे हो रहा है। जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, अब रेंट ऑफ द बिल्डिंग किस बेसिस पे डिवाइड होगी, यूनिट लेवल स्टूडेंट वाइज, ना जी, बैच वाइज नहीं, तो क्या सब्जेक्ट वाइज या स्ट्रीम वाइज, एरिया वाइज, तो ये कौन सी एक्टिविटी कहला गई, ये फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। पॉइंट क्लियर है, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ एक्टिविटीज। स्टेजेस इन एक्टिविटी ये मैं बता चुका हूं, पहला सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट एक्टिविटी विद ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज, सपोर्टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी ड्राइवर्स, और फिर कॉस्ट ड्राइवर्स रिलेटेड टू एक्टिविटी। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर निकालने का ही हो गया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। मशीन आवर्स में डिवाइड करना है तो मशीन के खर्चा डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, फिर ओवरहेड को चार्ज करेंगे एक्टिविटी पर, एक्टिविटी को चार्ज कर देंगे ऑब्जेक्ट पे। That is the concept of this chapter. यहाँ पे अभी तक के डिस्कशन में कोई भी मन में थॉट्स,
उछल रहे हैं, उछालो और बताओ कि क्या पूछना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे कि किस तरह से हमें फाइनली ये एग्जीक्यूट करना है, और इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई डोंट थिंक ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, छोटा सा ही चैप्टर है हमारे लिए, कॉन्सेप्ट समझना है मेनली। स्टडी मटेरियल में तो कमी है, क्वेश्चन जस्ट 4 इलस्ट्रेशन आते हैं।